अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू बेगम किचन। मैं हूं आपकी दोस्त होस्ट नाजिश। आज हमारे किचन में बनने वाले हैं ये यमी से ब्रेड रोल। तो इसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। कद्दूकश करना है हमने आलू को, तो हमने यहाँ 3 उबले हुए आलू लिए हैं। अब कद्दूकश कर लेंगे। साथ ही यहाँ लिया है गाजर, उसको भी कद्दूकश करना है। मिर्च लिया है, इसको भी कट कर लेंगे हम। मिर्च मैंने यहाँ पर 1 ली है, आप चाहें तो और भी ले सकते हैं। यहाँ लिए हैं उबली हुई मटर, पनीर, पनीर को क्यूब्स में कट कर लें। साथ ही एक बाउल में सारे वेजी हम डाल लेंगे। यहाँ 1 कटोरी हमने लिया है आलू, आधी कटोरी गाजर, 1 हरी मिर्च, 1 कटोरी मटर, 1 कटोरी पनीर, आधा चम्मच ऑर्गेनो, साथ ही 1 चम्मच नमक, आधे चम्मच कुटी हुई मिर्च। अब मैंने इसे मिक्स करना है। हमने फ्रेश ब्रेड लिए है, उसके साइड की एजेस निकाल देंगे। एक बाउल में ठंडा पानी लीजिए, अपनी ब्रेड को उसमें डिप करिए और एक्सेस पानी हम हल्के हाथों से दबाकर निकाल देंगे। हमारा जो मिक्सचर तैयार है उसको हम 1 चम्मच की मदद से इसके अंदर रखेंगे और हल्के हाथों से दबा दबा के इसका रोल बनाएंगे। इस तरीके से आपने सारे तैयार कर लेना है। एक कंटेनर में आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं और जैसे मॉर्निंग में बनाना चाहें तो आप मॉर्निंग में भी बना सकते हैं। मैंने ऑयल गरम करा है यहाँ पर 1/2 किलो। ऑयल लो से मीडियम फ्लेम पे ही रखना है हमने गैस को। ब्रेड रोल्स डालने के बाद आप इसकी साइड चेंज कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है, जब ये खुद क्रिस्पी हो जाएंगे या आपको ऊपर से नज़र आने लगेंगे इस तरीके से इस पर कलर आएगा। धीरे धीरे आप इसे कुक करिएगा क्योंकि ये जो है बहुत जल्दी जल जाएंगे, क्योंकि इसका जो ब्रेड है, ब्रेड को जब भी हम ऑयल में डालेंगे तो वो बहुत जल्दी से जलने लगेगी। तो तभी मैंने आपको बताया कि मैंने ठंडा पानी यूज़ करा है और आप भी ठंडा पानी ही यूज़ करिएगा। देखिए कलर बहुत अच्छा आने लगा है और मैं अभी इसको प्लेटिंग में करूँगी। जो मेरे हो गए हैं उसे मैं निकाल लूँगी। टी टाइम में ये बहुत अच्छा स्नैक है और बच्चे जो बहुत खाना पसंद करते हैं। तो ये ब्रेड रोल तैयार हैं, आप चाय के साथ, सॉस के साथ इसे खाएं। अपना खूब ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें और दुआओं में हमें ज़रूर याद रखें।